दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप भी जियो की सिम यूज करते हैं और आपने अपने जियो के नंबर पे जियो ट्यून को एक्टिवेट कर रखा है और किसी भी रीजन से आप उसे अगर डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अगर काफी सारे दोस्तों को जियो ट्यून को एक्टिवेट करना होता है तो वो SMS से भेजकर भी वहां पे इसको एक्टिवेट कर लेते हैं या फिर कस्टमर केयर से बात करके और वहां से भी उसको एक्टिवेट करा लेते हैं। लेकिन जब उसे वहां पे डीएक्टिवेट करने की बात आती है तो काफी लोगों को पता नहीं होता है कि अब क्या करें। लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि ना तो आपको कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा और ना ही आपको अपने फोन से किसी भी तरह के SMS को सेंड करना पड़ेगा। सिर्फ सिंगल क्लिक में आप अपनी जियो कॉल को यहां से डीएक्टिवेट कर पाएंगे। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि किस तरह से सिर्फ एक क्लिक में आप अपनी जियो टीन को डीएक्टिवेट कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहां पर लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर आपको बेल आइकन पर प्रेस करना और यहां पर ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। इससे दोस्तों कि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो लाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी किसी भी रीजन से अपनी जियो ट्यून को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे माई जियो लिख के सर्च कर लेना है। तो जैसे माई जियो लिख के सर्च करेंगे यहाँ पर आपको माई जियो एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो अगर आप इसको पहले से यूज कर रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट ओपन कर लीजिए, और अगर आपने इसको अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको माई जियो एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अपने जियो के नंबर से इसमें आपको लॉगिन कर लेना है कि अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब जैसे आप इसमें लॉगिन कर लेंगे और इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने जियो एप्लीकेशन इस तरह से ओपन हो जाएगी, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन ओपन हो रही है। इस एप्लीकेशन के कई फायदे हैं दोस्तों। यहां पर आप अपने डेली पैक की पूरी डिटेल देख सकते हैं, आपका जो भी प्लान है उसकी पूरी डिटेल आप यहां पे देख सकते हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि इसकी हेल्प से हम सिंगल क्लिक में अपनी जियो टीन को किस तरह से डीएक्टिवेट करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ऊपर की साइड आप देख सकते हैं आपको कुछ मेनू देखने को मिल रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, यहां पर आपको सेव करके इस साइड में आना है। यहां पर आपको एक म्यूजिक का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस म्यूजिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब जैसे म्यूजिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो बॉटम पे देखिए आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं, होम, जियो ट्यून, ब्राउज और माई लाइब्रेरी। तो आपको यहां से जियो ट्यून वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप यहां से जियो ट्यून वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे टॉप पे आप देख सकते हैं एक्टिव जियो ट्यून का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि आपके नंबर पर जो भी जियो ट्यून एक्टिवेट है वो आपको सबसे टॉप पे यहां पर देखने को मिल जाएगी, जैसे कि मेरे अकाउंट में आपको देखने को मिल रही है। अब अगर आप इसको यहां से डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके ठीक सामने आप देख सकते हैं आपको एक बटन देखने को मिल रहा है डीएक्टिवेट का। जैसे आप इस पर टैप करेंगे सिर्फ एक क्लिक में आपकी जियो ट्यून यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएगी, और इसके लिए आपको ना तो कस्टमर केयर पे बात करने की जरूरत पड़ेगी और ना किसी तरह का SMS सेंड करने की जरूरत पड़ेगी। और जैसे इस बटन पर टैप करके इसको आप डीएक्टिवेट करेंगे इमीडिएटली आपके नंबर पर जियो की तरफ से एक मैसेज भी आ जाएगा जिसमें आपको कन्फर्म कर दिया जाएगा कि आपकी जियो ट्यून को यहाँ पर डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो मुझे अभी इसको डीएक्टिवेट नहीं करना इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको प्रोसेस बताया था। सिंपली आपको इस डीएक्टिवेट वाले बटन पर टैप करना, जैसे आप इस पर टैप करेंगे सिंगल क्लिक में आपकी जियो ट्यून यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।